तो बधाई का सिलसिला जारी है, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं और मेरे कई सहयोगी इस वक्त द्रौपदी मुर्मू के आवास पर ही हैं। विशाल पांडे, इस वक्त बड़ा सवाल है ऑपोजिशन के लिहाज से। एक तरफ एनडीए है जो बहुत कंफर्टेबल दिखाई देता है, हर स्ट्रेटजी जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्क करती दिखाई दे रही है, और ऑपोजिशन के लिए इस वक्त कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, और शायद सबसे ज्यादा झटका लग रहा होगा जो बड़े लेवल पर क्रॉस वोटिंग हुई है। बिल्कुल अदिति, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी इन दिनों ऐसे फैसले लेती है जिससे हर कोई चौंक जाता है और खासतौर पर विपक्ष को झटका लगता है, क्योंकि जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम एनडीए ने घोषित किया उसके बाद से कई जो धुर विरोधी दल थे बीजेपी के उन्हें भी मजबूरी में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना पड़ा। और जब वोटिंग की बारी आई, क्योंकि विपक्ष ने भी यशवंत सिन्हा को खड़ा कर रखा था चुनावी मैदान में, उस दौरान भी अंतरात्मा की आवाज़ की जो अपील यशवंत सिन्हा ने की थी वो शायद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के विधायकों और सांसदों ने सुन ली, और यही कारण है कि अब तक जो जानकारी मिली, क्योंकि काउंटिंग अभी भी जारी है, 100 के आसपास विधायकों ने पूरे देश भर में क्रॉस वोटिंग की है। ये विपक्ष के विधायक हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट किया है, लगभग 16 से 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो ये बताता है कि किस तरह से जो उम्मीदवार का चयन यहाँ पर प्रधानमंत्री और बीजेपी की तरफ से किया गया द्रौपदी मुर्मू के तौर पर, उनकी वजह से यहाँ पर, क्योंकि राज्यों में वोट बैंक का भी बहुत बड़ा इस पॉलिटिक्स होता है, खासतौर पर छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके अलावा अगर गुजरात के बेल्ट में भी इस तरह के कई वोटर्स आपको मिलेंगे, इसके अलावा आप जब उत्तर पूर्व के राज्यों में जाएंगे, इन सब राज्यों में अच्छी खासी संख्या में आदिवासी वोट बैंक है, पश्चिम बंगाल, और उसकी खुशी जो यहाँ हम सबको दिखाई दे रही है वैसी ही खुशी देश भर में जो है आज लोगों के मन में, लोगों के जीवन में दिखाई दे रही है। लोग इजहार कर रहे हैं इसी तरह से ढोल नगाड़ों के साथ में, पारंपरिक वाद्य के साथ में, पारंपरिक नृत्य के साथ में देश के हजारों स्थानों पर इसी तरह का उत्सव आज आयोजित किया जा रहा है। तो सेलिब्रेशन की तस्वीरें, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीरें जब वो पहुंचे द्रौपदी मुर्मू के आवास, और इस वक्त जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन के एक तरफ देख पा रहे हैं वो जब मीटिंग के बाद निकले हैं द्रौपदी मुर्मू और बीजेपी प्रेसिडेंट के साथ, तब की वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सेलिब्रेशन का सिलसिला लगातार जारी है। रवि त्रिपाठी, आप लगातार वहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के वर्कर्स भी मौजूद हैं, हमने देखा कि कई तरह की बयानबाजी हुई, किसी ने द्रौपदी मुर्मू को स्टैचू बुलाया, किसी ने कहा रबर स्टैंप है, क्या कर पाए, लेकिन सारा क्रिटिसिज्म धरा का धरा रह गया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिन लोगों ने भी एक बयान दिया, तेजस्वी यादव, उनको लेकर कहीं ना कहीं उनको उसका झेलना पड़ा, उनको तो उसका उनकी तकलीफ झेलनी पड़ी, क्योंकि आप देखिए कि उनकी माँ जो मुख्यमंत्री रही हैं उन पर लोगों ने आरोप लगाया कि वो भी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, वो मुख्यमंत्री कैसे बनी, इस बात का आरोप उन पर लगाने लगा लोग, खुद वो पढ़े लिखे नहीं है, 10th पास नहीं है, लेकिन इस तरह की बात जब आरोप लगाते हैं तो कहते हैं खुद पहले आईना देख लीजिए तब किसी पर आरोप लगाइए, इस तरह की बात होगी। और पूरे देश भर में अगर बात करें, देखिए सबसे पहला अगर देखेंगे तो इसका फायदा जो बीजेपी को होगा इनडायरेक्टली तो गुजरात चुनाव में होगा, जहाँ 15 से 16% आदिवासी आबादी है, जहां अभी तुरंत चुनाव होने वाला है नवंबर दिसंबर में, तो वो भी एक टारगेट है, क्योंकि जो ट्राइबल वोटर है आमतौर पे बीजेपी के साथ नहीं जुड़ता है, गुजरात का खासतौर पे बड़े लंबे समय से बीजेपी वहां सत्ता में है लेकिन ट्राइबल वोटर उनको वोट नहीं करता है, तो एक स्ट्राइक उसका फायदा होगा। इसके अलावा देश भर में किसी राज्य में आप चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट के राज्य चले जाइए, झारखंड, देखिए झारखंड में सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री मोदी ने खेला जिसके बाद यही कह रहा है बिल्कुल कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है। रविंद्र कुमार हमारे साथ है, रविंद्र आपके साथ एक खास मेहमान है, बात कर रहे हैं आप। देखिए जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए थे बीजेपी की तरफ से, ऑल इंडिया प्रचार और सारे मैनेजमेंट के लिए, व्यवस्था के लिए, वो सीपी रवि हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, उनसे बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी आए हैं, सबसे पहले ये जानना चाहिए किस तरह बधाई दी, आप अंदर भी थे। हाँ, अभिनंदन किया है, ये बड़े जीत है, पहले बार स्वतंत्र होने के बाद मौका मिला है आदिवासी महिला सर्वोच्च पद में बैठने के लिए, ये डेमोक्रेसी का ताकत है। सभी वोट दिया है, हर स्टेट में वोट दिया है, यूपीए सपोर्टर्स भी वोट दिया है, उसके लिए वो लोगों को हम अभिनंदन करना चाहता हूँ, आत्मसाक्षी का वोट दिया। लेकिन सीटी रवि जी, ऐसे कौन सा आपने जादू चलाया आपकी पार्टी ने कि क्रॉस वोटिंग एक दो नहीं हुआ, संसद में भी हो रहा है और विधानसभा में 50 से ज्यादा विधायक आपके पक्ष में आ जाते हैं, ऐसा कौन सा जादू? प्रधानमंत्री जी का छवि,
जादू अमित शाह जी का क्षमता, जादू स्वयं द्रौपदी मुर्मू जी का क्षमता, उसके वजह से वोट दिया है। कुछ लोग कहते थे ना रबर स्टाम्प, ये रबर स्टाम्प नहीं है, एक्सपीरियंस ताकत है। ये कारपोरेटर होकर के, एमएलए होकर के और उसके बाद मंत्री होकर के, राज्यपाल होकर के उनका ताकत दिखाया है, उसके वजह से सभी वोट दिया है। सीटी रवि जी, आप महाराष्ट्र के प्रभारी भी रहे हैं, यही जादू यही बातें हो रही है कि चुनाव से पहले ही आपने शिवसेना को तोड़ दिया, एकनाथ शिंदे भी इसमें आ जाते हैं और उद्धव ठाकरे भी आ जाते हैं इसमें, हेमंत सोरेन भी आ जाते हैं और ऐसे कई लोग हो जाते हैं, क्या आप लोग कर रहे हैं? हाँ, दबाव है, विपक्ष कर रहा है कि दबाव है। राष्ट्रपति स्थान का प्रभाव है, द्रौपदी मुर्मू जी का प्रभाव है, एनडीए के प्रभाव है। कोई जादू नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव है, गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति है और द्रौपदी मुर्मू जो बार बार आप भी कर रही है, अपने दर्शकों को बता रही है और हम लोग भी बता रहे हैं कि आदिवासी हैं, महिला हैं और मजबूरी में सभी पार्टियों को उनका विरोध नहीं बल्कि सपोर्ट करना पड़ा है। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, चाहे वो सेलिब्रेशन की तस्वीरें हो, देखिए होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ उनकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू के साथ, द्रौपदी मुर्मू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट, होम मिनिस्टर उन्हें बधाई देते हुए, और थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और साथ ही हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि जी न्यूज़ के स्क्रीन को ध्यान से देखिए किस तरह से द्रौपदी मुर्मू ने इस पूरे कॉन्टेस्ट को एक तरफा बना दिया और एक बड़ी जीत, एक बड़े मार्जिन के साथ यशवंत सिन्हा पर यह जीत दर्ज की। हालांकि यशवंत सिन्हा द्वारा मोबिलाइज करने की कोशिश की गई थी सपोर्ट, ये कहते हुए कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं है, आपको स्पष्ट करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं होम मिनिस्टर की द्रौपदी मुर्मू के साथ, जिस तरह से उन्होंने एक तरफा मुकाबले में यह बड़ी जीत दर्ज की है, ऐतिहासिक दिन, कई एक्सपर्ट्स इसे करार दे रहे हैं, भारत की पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट होंगी, अपने आप में बहुत बड़ा सिंबलिज्म भी इसमें है और सोशल और पॉलिटिकल मैसेज भी है। कई एक्सपर्ट्स इसे 2024 इलेक्शंस के साथ जोड़कर देख रहे हैं, ऑपोजिशन के लिए कई तरह की चिंताएं, कई तरह के कंसर्न्स इस इन इलेक्शंस के बाद। तो तीन तस्वीरें अब आप देखिए, एक तरफ डिफेंस मिनिस्टर द्वारा जो बधाई दी गई है द्रौपदी मुर्मू को, होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा बधाई दी गई है, और जो एक और तस्वीर आप अपने स्क्रीन के बीचों बीच देख रहे हैं, सेंटर पर देख रहे हैं, वो तब की तस्वीर है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी, एक मुलाकात प्राइम मिनिस्टर द्वारा की गई, उन्हें बधाई दी गई, उस मीटिंग में जेपी नड्डा बीजेपी प्रेसिडेंट वो भी मौजूद रहे, और इस मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जब निकले हैं, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपको यहां पर ये स्पष्ट करते हुए। तो मेरे कई सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये मीटिंग्स का दौर चल रहा है बधाई देने के लिए। दरअसल इन मीटिंग्स की खास बात ये, बधाई देने के लिए ये मुलाकातों का सिलसिला है। और मनीष, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो सेलिब्रेशंस को लेकर जोश कितना है इस वक्त, और वो तस्वीरें भी आप हमें दिखाइए, और कौन कौन इस वक्त द्रौपदी मुर्मू के घर में मौजूद है, उनके आवास में मौजूद है। क्या बताइए, क्या भारत के लोकतंत्र की ताकत, गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी का इंसान भारत महान का राष्ट्रपति बन सकता है, सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है किसी भी देश का। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कुछ नहीं हो सकती है आज के दिन, और द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देने के लिए हम लोग यहां पर आए थे, उनको पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे यहाँ पर, उनके नाम की भी बात की जा रही थी जब एनडीए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अपने कैंडिडेट का ऐलान कर रहा था, और द्रौपदी मुर्मू के नाम पर दाव खेलकर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्राइम मिनिस्टर मोदी और एनडीए द्वारा खेला गया, ऐसा तमाम एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं। मेरे सहयोगी शिवांगी ठाकुर ने द्रौपदी मुर्मू की भाभी से बात की है।
एक महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है और सबसे ज्यादा जिसे खुशी होती है वो है महिलाएं ही, और खासकर जब उस महिला के परिवार की ये महिलाएं हो। इस वक्त हमारे साथ द्रौपदी मुर्मू की भाभी है, जरा उनसे जानते हैं। तमाम रिश्तेदार और चाहने वाले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कितनी खुश है। रंग आप लोगों ने खेला है, जो बाहर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनको भी आप लोगों ने अपने रंग में रंग दिया है। बहुत खुश, मतलब बहुत खुश महसूस हो रहा है। मतलब जैसे लग रहा है कि दिवाली का पर्व आ गया है। होली दिवाली सब एक साथ यहाँ मनाई जा रही है। हाँ, मनाई जा रहा है। आप लोगों ने कभी सोचा था वो राष्ट्रपति बनेंगी? ना। क्या सोचा था, क्या कहाँ तक जा पाएंगी? ऐसे तो मतलब हम कल्पना भी नहीं किए थे मतलब राष्ट्रपति बनेंगे बोल के। हाँ। राष्ट्रपति भवन जाने के लिए आपने तैयारी कर ली है? जब डिक्लेयर हुआ तो हम बाद में कल्पना चेंज कर दिया, होगा होगी बनेंगी वही है, अब बन गई है। राष्ट्रपति भवन के लिए बुलावा आया है आप लोगों को? हाँ। कब जा रहे हैं आप लोग? 23 का। तो अप्पा को लेकर, बड़ी दीदी को लेकर काफी उत्साह में, जोश में उनका पूरा परिवार, और ये सिर्फ एक फैमिली का ड्रीम नहीं, जो ये सेलिब्रेशन है ये क्या कह रही है। लगातार जो सेलिब्रेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कह रही हैं कि इस देश में करोड़ों लोग द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से एक अपना ड्रीम जो है उसे जी रहे हैं इस वक्त। इसीलिए सेलिब्रेशन की जो तस्वीरें हैं, और बीते कई घंटों से ये लगातार आ रही है, लोगों के जोश में किसी तरह की कमी आई हो ऐसा नहीं है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बता देते हैं ये द्रौपदी मुर्मू के घर से तस्वीरें, उनके आवास से तस्वीरें। तो दो तस्वीरें इस वक्त, एक तरफ आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जब निकले उनसे मुलाकात करने के बाद, द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के बाद, तब की ये तस्वीर है, और बधाई देते हुए प्रधानमंत्री द्वारा एक ट्वीट भी किया गया, और सेलिब्रेशन की तस्वीरें हमने आप तक लगातार पहुंचाई हैं। सभी बड़े केंद्रीय मंत्री द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो, मिनिस्टर अमित शाह हो, लगातार ये तस्वीरें जी न्यूज पहुंचा रहा है आप तक। We'll be right back.